सिगरौली में नए कोल ब्लॉक के लिए आवंटित एपीएमडीसी टीएचएमडीसी कोल माइंस कंपनियों में आए दिन विस्थापन को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसको लेकर अब प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। उधर एक बार फिर विस्थापितों ने रैली निकालकर इसका विरोध जताया है। एनसीएल जयंत खदान के विस्तार के लिए मढ़ौली का विस्थापन अब एनसीएल और जिला प्रशासन की गले की फांस बनता जा रहा है। विस्थापितों के प्रदर्शन को अब स्वयंसेवी संस्था, व्यापार मंडल और आम जनता का भी साथ मिलने लगा है। बीते दिनों जयंत खदान में कार्य रोक दिया गया था और प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर ने हस्तक्षेप कर त्रिपक्षीय वार्ता में एनसीआर प्रबंधन को मुआवजा वितरण एवं पुनर्वास के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद जयंत सीएमबी प्रसाद द्वारा विस्थापितों के साथ बैठक भी की गई, परंतु उसका कोई निराकरण नहीं निकला, जिसके पश्चात सैकड़ों की तादाद में लोगों ने एकत्रित होकर बाइक रैली निकाली और एनसीएल प्रबंधन के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज कराया। मुद्दा यह है कि पिछले लगभग 10-11 साल से मढ़ौली का विस्थापन चल रहा है और हमें समझ में आता है कि एनसीएल खुद में भी क्लियर नहीं है कि उसको विस्थापन कैसे करना है। आज भी वो क्लियर नहीं है। अब स्थिति ये है कि वो हर बार अपने आप को वो भी शिक्षित कर रहे हैं और उनके इतना समय लेने के कारण हम विस्थापित भी शिक्षित होते जा रहे हैं। अब दोनों का जो तकरार की स्थिति बनते जा रही है वो इस कानूनन ये स्थिति है कि हम जो चाहते हैं कि कानूनन जो चीज़ है वो आप हमें दें, वो चाहते हैं जो उनके हित में है वो करें। लार एक्ट में कहता है कि भाई जो विस्थापित के हित का बात है वो हो। 2015 में नया कानून आया और 15-20 इनको समझते लगा, फिर भी जब इनको समझ में नहीं आया तो ये निर्णय किया कि कलेक्टर की मध्यस्थता कर ली जाए। उनको ज्ञान है, प्रशासनिक अधिकारी, और उन्होंने हर चीज का जो है निचोड़ निकाला यहाँ की, जो धरना प्रदर्शन दिया था इसके उपरांत, और कलेक्ट्रेट में त्रिपक्षीय वार्ता हुई जिसमें विस्थापित भी थे, एनसीएल प्रशासन भी था और जिला प्रशासन भी था। उन्होंने हर चीज़ों का निर्णय निकाल करके इनको दे दिया कि अब आपको ये करना है। लेकिन खेद का विषय है, कलेक्टर के निर्देश देने के बाद, हर पॉइंट पर निर्देश देने के बाद में भी ये उसको पूरा नहीं कर पा रहे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।